इंडियन स्टोरी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के बागेश्वर में। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बैजनाथ धाम भगवान शिव के प्राचीन रूपों में से एक रूप है और इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक ही रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आज हम बात करेंगे पलायन के विषय पर। आज यहाँ के लोग जो हैं पलायन करके अन्य शहरों का रुख कर रहे हैं और इस पलायन करने के पीछे क्या कारण है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं रमेश सनवाल जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। पलायन रुकना बहुत सरल सी बात है मेरे अनुसार से, बशर्ते सरकारों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि हम इस पलायन रोकने से हमारे क्या फ़ायदे हैं या भारतवर्ष का क्या फ़ायदा है। ये उत्तराखंड का अधिकतम क्षेत्र सीमा क्षेत्रों से लगा हुआ है, चाइना से लगा है, तिब्बत से लगा है, नेपाल से लगा है, सारा सीमा क्षेत्रों से लगा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न इस मायने में है, यदि जो लोग आज हम इस सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं इसी प्रकार से यदि पलायन होते गया तो ये सारी आबादी समाप्त हो जाएगी, और आबादी अगर यहाँ से सब चले जाएगी तो आबादी के चले जाने की वजह से हमको भारत सरकार को कितनी बड़ी फौज लगानी पड़ेगी, जिस प्रकार से JNK में है, नॉर्थ ईस्ट में है, अपनी सेना लगानी पड़ रही है सीमाओं की सुरक्षा के लिए। आज हम उत्तराखंड के लोग इस भारत सरकार के बिना पैसे के सैनिक हैं। इस बात को भारत सरकार को जानना होगा कि हम उत्तराखंड में रहने वाले सीमावर्ती लोग बिना पैसे के सैनिक हैं और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने किसी प्रकार से भी यहाँ का पलायन रोकने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए। यहाँ के भौगोलिक संसाधनों पे हमको अधिकार देना चाहिए स्थानीय लोगों को, ताकि वो यहाँ पे रोजगार जनरेट कर सकें और ये पलायन रुक सके। पलायन तो वैसे एक सतत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हर क्षेत्र से विकास होता है तो दूसरी जगह लोग जाते हैं, लेकिन जाने के बाद जहाँ पे जो मातृभूमि होती है, हर आदमी, मैक्सिमम आदमी उसमें से ये कोशिश करता है कि मैं कमाने के बाद फिर अपने घोंसले में आऊँ, फिर अपने जन्मभूमि पर आऊँ, तो वो माहौल हमें देना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद भी आदमी आए, कमाने के बाद भी आदमी उत्तराखंड में आए, और पर्यटन, यहाँ पर पर्यटन बहुत सारा हो सकता है। अब आप बैजनाथ मंदिर में देख लीजिए, बैजनाथ मंदिर संसाधन इतने ज़्यादा इसके पास संसाधन है, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया स्टैचू हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बैजनाथ मंदिर में वो ताला बंद कर करके सिक्योरिटी के अंदर बंद है, आप देख भी नहीं सकते हैं उसको। तो जो टूरिस्ट आएगा वो आके देखेगा क्या? और सरकार को, हमने हाईकोर्ट में भी इस बात को रखा, चीफ जस्टिस से भी रखी, उनके द्वारा भी इस पे माननीय चीफ जस्टिस द्वारा भी आदेश किया गया था कि भई हम यहाँ पे इसके लिए म्यूजियम बनाएंगे ताकि लोग देख पाएंगे। जितना टूरिस्ट आएगा तो देखेगा, उससे रोज़गार मिलेगा लोगों को, बहुत मुद्दे हैं। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि सरकार हमारी लोक कल्याणकारी मानी जाती है संविधान के अनुसार से, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए जिससे कि हमारा राष्ट्र अखंड रहे, उन्नति करे, तो उसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। अब करना क्या है, उसको स्वास्थ्य के बारे में हॉस्पिटल इस प्रकार से बनाने होंगे कि ऐसे सेंट्रलाइज इस तरीके से बनाना होगा कि एक स्थान से बना करके अस्पताल बनाए जाएँ ताकि उतनी एरिया को कवर किया जा सके। हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं सरकारों को कि 25 किलोमीटर पर एक आप अच्छा अस्पताल बना दीजिए, आपको ढाबे खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अस्पताल 25 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत एक बना दीजिए, सारे वहाँ पे सुविधाएं मिलें, अस्पताल की सुविधाएं मिलें, ताकि जो 25 किलोमीटर की रेंज के लोग हैं वो वहाँ पे आ सकें, स्वास्थ्य की शिक्षा ये होगी। उसी प्रकार से स्कूलों का है, प्राइमरी स्कूल बतेरे खोल दिए, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं, संसाधन नहीं, टीचर नहीं, तो इतने ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एरिया सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कितने दूर से बच्चे आ सकते हैं और कितना बढ़िया ढंग से हम विद्यालय को चला सकते हैं। ज़्यादा मात्रा ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी है। तो
तो सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से चल सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में जब तक एक किस्म की एजुकेशन और एक किस्म का स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और ये कठिन कदम हमें उठाने पड़ेंगे, तभी जा कर के देश का हित हो सकता है। रोजगार का मुद्दा है, इतना फॉरेस्ट है, अब पर्यावरणविद क्या कहते हैं, जो पोथी पर्यावरणविद मैं जिनसे कहता हूँ, जिनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, वो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के माध्यम से कहते हैं कि फॉरेस्ट बढ़ना चाहिए, वन क्षेत्र बढ़ना चाहिए। अब ये नियम दिल्ली के लिए लागू हो सकता है कि वहाँ पे वन क्षेत्र बढ़े, मुंबई के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए वहाँ पे वन क्षेत्र बढ़ाना मैंडेटरी है, वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको जीवन चाहिए तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पे 72% तो इनके आंकड़े के अनुसार वन क्षेत्र है, वहाँ आप कहेंगे फॉरेस्ट लगाएं, एनजीओ के माध्यम से पैसा बांट रहे हैं दुनिया भर के फॉरेस्ट लगाने के लिए, जो लोगों की नाप लैंड थी जहाँ पलायन हो गया वह डेंस फॉरेस्ट हो गया है, जो लोगों की नाप लैंड है कृषि लैंड है, क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं घरों के पास से, सारा फॉरेस्ट क्षेत्र हो गया है, तो यहाँ फॉरेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि पेड़ तो यहाँ से काटने पड़ेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, तो मुझे पद्मश्री नहीं मिलेगा, मुझे पर्यावरण पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसलिए पुरस्कारों के होड़ में जितने भी वक्ता हैं, जितने भी वो ऐसे पर्यावरणविद लोग हैं, वो कहते हैं नहीं फॉरेस्ट बढ़ाना है हमें, तो पेड़ लगाना है, जंगल बचाना है। अब जंगल देख लीजिए, जो आज चीड़ का जंगल है वो केवल यहाँ पे सरकार के तस्करों के लिए और ठेकेदारों के लिए और सरकार के लिए थोड़े से लाभ के लिए हो गए हैं, बाकी सामान्य जनता के लिए तो जहर हो गया। वो आज इतनी बड़ी समस्या है, जितनी इस चीड़ के जंगल में एक पेड़ में जो हमने रिसर्च की है, एक साल में कम से कम सरकारी आंकड़े इनके कहते हैं कि आधा किलो एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एक पेड़ में रेजिन निकालने के लिए। उस जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बरसात से बहता है, हमारे जल स्रोतों में जा रहा है, हमारे खेतों में जा रहा है, और किसी प्रकार से हमारे पशु पक्षी भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, इंसान भी के शरीर में भी जा रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अब इस ओर पर्यावरण विद्यु का कोई ध्यान नहीं, कि बोलेंगे नहीं, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पुरस्कार नहीं मिलेगा, उनको लगता है हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये समस्याएँ जब तक जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं वास्तव में, यदि वो इन समस्याओं को सरकार के पास, सरकार उनकी समस्याओं को अगर सुने तो उस माध्यम से सुने, तो ये ठोस कदम उठाने के लिए ये सरकार को करना पड़ेगा। लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, जितने फॉरेस्ट एरिया हैं, इस चीड़ को हटा करके अखरोट के वन लगाने की परमिशन दी जानी चाहिए। 62.5 नाली हमारा अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को उसको भूमि मिलनी चाहिए, यह एक्ट कहता है, इनका जेडे कहता है। तो 62.5 नाली इस जमीन बेरोजगारों को बांटी जाए, वो उनको पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। अब आज तो 2 नाली 4 नाली ज़मीन नहीं है लोगों के पास, मकान लगाने के लिए ज़मीन नहीं रहा, तो क्यों रहेगा यहाँ पे? जंगली जानवरों का इतना आतंक है, गाय मारने के लिए स्टेट परमिशन ले सकती नहीं लगाई के लिए, लेकिन हमारे इस प्रदेश में बंदर को मारने के लिए ये हमें परमिशन नहीं देते हैं। इनके लिए बंदर प्यारे हैं, इनके लिए बाघ भालू सब प्यारे हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बना दिया उत्तराखंड जो आपके मनोरंजन के लिए हो गया, यहाँ के इंसान की कोई कीमत नहीं है। आए दिन बाघ इंसान को खा जा रहे हैं, बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, भालू मारता है, सुअर मारता है, यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए, बड़े राजनीतिकों के लिए, करोड़पतियों के लिए, धनपतियों के लिए एक ऐसगाह इस प्रकार का बन गया कि यहाँ पे हम जू की तरह हो गया है, चिड़ियाघर एक बन गया है। तो ये जब तक हम सोच बदलने का प्रश्न है, जब सोच बदलेंगे तब जा कर के यहाँ का विकास होगा और तभी जा कर के ये पलायन रुकेगा। मैं जब भी उत्तराखंड के अपने सहपाठी हैं, अपने मित्र हैं, जितने भी लोग जिस भी स्थान पे हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट पे हैं, काम कर रहे हैं, अवार्ड एब्रॉड काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, विदेशों में हैं, देश में हैं, तो जब भी हमारी बातचीत होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट हमेशा ये करते हैं कि भाई जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी मातृभूमि की ओर आएँ और देखें, समझें, और ये इस मातृभूमि से उऋण होने के लिए जो आपने सीखा है, आप जिस फील्ड के हैं उससे थोड़ा सा इसकी मदद कीजिए, ताकि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं उस मिट्टी में रहे हुए अन्य लोगों को भी थोड़ी सी सुविधाएं मिल सकें। इंडियन स्टोरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने दूर सुदूर देवभूमि में आकर के ये महत्वपूर्ण समस्या को उठाया है। इसके लिए इंडियन स्टोरी
बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।